स्वागत दोस्तों आपके अपने चैनल MH21 पे, और आज हम जानेंगे किस तरह से आप आपके PF का स्टेटमेंट आपके मोबाइल में चेक कर सकते हैं। बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, आप अगर एम्प्लॉयज है, आप अगर कहीं काम करते हैं, तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपके अकाउंट से जो तो 12% जो तो डिडक्ट करता है सैलरी में से, और 12% प्लस 12% ऐड करके आपके एक PF अकाउंट आता है, उसमें वो जो है तो 24% तक उसमें जो है तो आपका एक प्रोविडेंट फंड होता है वो ऐड होता है। तो उसको देखना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है कि बहुत जो एम्प्लॉयज का जो फंड तो निकाल लेती है, 12% का जो एम्प्लॉयज का जो शेयर्स होते हैं सैलरी में वो तो निकल जाता है, लेकिन उनके अकाउंट में वो ऐड नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक एप्लीकेशन के जरिए जो है तो आपके जो है तो एप्लीकेशन के जरिए आपके मोबाइल में जो है तो उसका पूरा मंथ वाइज स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ने कितना कितना डिडक्शन हुआ है और कितना कितना आपके अकाउंट में ऐड हुआ है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बताने से पहले बताना चाहूंगा, आपको अगर इस चैनल की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, मेरे मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से आप हम जो है तो अपना PF स्टेटमेंट सिंपली और आसान तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रही मेरे मोबाइल की स्क्रीन, और जो है तो उमंग 4 ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं उसका जो है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। इस तरह से उमंग ऐप का ऐप जो है तो इंटरफेस रहता है। सिंपली आपको सर्च बॉक्स में जाना है, EPFO लिख देना है। दोस्तों लिखने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो तो PF की जो सर्विसेज होती है पूरी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। दोस्तों इसमें से आपको पासबुक वाला जो है तो देखना है। दोस्तों व्यू पासबुक का एक ऑप्शन मिल रहा है मुझे 3 नंबर पे, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए सब ऑप्शन के क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली आपका जो है तो यहाँ पे आपको PF नंबर एंटर करना है, गेट OTP पे क्लिक करना है। गेट OTP क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे उसका OTP आपको मिल जाएगा। आपको जो है तो OTP देखने के बाद जो है तो सिंपली OTP एंटर कर देना है। देखिए मैं मेरा जो है तो यहाँ पे OTP दर्ज करवा रहा हूँ। OTP में डालने के बाद जो है तो सबमिट कर देना है आपको। यहाँ पे पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों आपको देखिए मैं जिस जगह काम करता हूँ, जहाँ पे उस एम्प्लॉयज़ कंपनी का नाम यहाँ पे आपकी शो हो रहा है, और शो होने के बाद देखिए दोस्तों मेरा पूरा जो है तो स्टेटमेंट निकल चुका है। मैं देख रहा हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन पर क्या किस महीने में मेरा कितना ऐड हुआ है, एम्प्लॉयज़ शेयर्स कितने ऐड हुए और एम्प्लॉयर शेयर कितने ऐड हुए और पेंशन कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। देखो सिंपली आप जो तो हर मंथ वाइज इस तरह से चेक कर सकते हैं। दोस्तों देखने में भी बहुत आसान इंटरफेस होता है इसका, और इसमें ऊपर आप डिटेल भी चेक कर सकते हैं आपका एम्प्लॉय शेयर कितना है और एम्प्लॉय का शेयर कितना है ये भी आप देख सकते हैं। पेंशन आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना जमा हुआ है ये भी आपको ऊपर शो हो रहा होगा। दोस्तों अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं आपके मोबाइल में इसकी प्रिंटआउट के लिए, तो सिंपल सा डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये PDF में ओपन हो गया। दोस्तों कितना आसान तरीके से जो है तो हमने अपना स्टेटमेंट निकाल दिया दोस्तों इस ऐप के जरिए, और इस ऐप के जरिए जो है तो हम स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों देखो मैं अभी PDF में से डाउनलोड कर चुका हूँ, और सिंपली मैं मंथ वाइज और उसको चेक कर रहा हूँ कि कितना मेरा कौन से महीने में कितना ऐड हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, और इस तरीके से इस एप्लीकेशन के जरिए आप जो है तो घर बैठे और चंद कुछ सेकंडों के अंदर। तो हमने जाना किस तरह से आसान तरीके से हम अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में जो है तो ये अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है तो दोस्तों में शेयर कीजिए।